हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो आपकी बहुत ही काम की होने वाली, प्लीज स्किप मत कीजिएगा। देखने में जितना अच्छा लग रहा है उससे ज्यादा ये खाने में टेस्टी है। ये हेल्दी टेस्टी नाश्ता बनाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दे प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए अब बनाते हैं। ये है धुली मूंग दाल। इसको मैंने 1-2 घंटे के लिए भिगा दिया था। इसे मैंने मॉर्निंग में 6 बजे भिगाया था और 7 या 8 के लगभग मैंने इसे पीस लिया। इस तरह से मिक्सर जार में डालेंगे सारा इस तरह से, और पानी भी जितना मैं डाल रही हूँ आप उसी तरह से डालिएगा। और मैं इसमें 1 चम्मच बेसन डाल रही हूँ, आप 2 चम्मच भी डाल सकते हो। मैं 1 चम्मच इसलिए डाल रही हूँ, जैसे हम लोग डोसा भी बनाते हैं उसमें भी चना दाल लगता है ना। और 1 हरी मिर्च डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा, 1 इंच या थोड़ा सा कौ नमक डाल रही हूँ। अब जार को कवर करके इसे ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। ये रेसिपी ना आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। देखिए मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है और इसका बैटर कैसा है आप लोग देख सकते हैं, और बिल्कुल एकदम फाइन एकदम ग्राइंड हो गया है। और चलिए तब तक हम लोग स्टफिंग बना लेंगे, इसको साइड में रख देंगे। एक पैन दूसरा चढ़ाएंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और थोड़ी सी बिल्कुल राई तड़के के लिए, और आप लोग के पास कड़ी पत्ता हो तो वो भी डाल लीजिएगा, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। और ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और बिल्कुल सोची नहीं मैं क्या बना रही हूँ, आप लोग बस मेरे साथ बनाते चलिए। अब हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज डालने के बाद इसे लाइट सॉटे करना है, मतलब एकदम लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा इसे कुक नहीं करना है। देख सकते हैं कितना धुआं धुआं हो रहा है पैन। देखिए अब ये लाइट ब्राउन हो गया है, बिल्कुल पास से आप लोग को दिखा रही हूँ किस तरह से कितना ब्राउन करना है, बिल्कुल इतना ही। जी हाँ, अब इसमें हम डालेंगे मेन इंग्रेडिएंट्स, ये है पनीर वो भी ग्रेटेड। इस तरह से पनीर भी डाल देंगे, और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, और थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर जितना मैंने डाला है, और स्वाद अनुसार नमक। सारी चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अच्छे से थोड़ा सा भूनना है, बस ज़्यादा नहीं भूनना है। और लास्ट में मैंने थोड़ा सा हल्दी ऐड कर दिया है ताकि कलर और खिलकर आ जाए। देख रहे हैं ना, हल्दी डालने के बाद इसका कलर कितना अच्छा हो गया है, मतलब एकदम सुनहरे कलर का हो गया। और हमारी स्टफिंग अब रेडी है। अब हम चलते हैं जो हमने मूंग दाल का बैटर बनाया था। ऑलमोस्ट इसे रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा खाने वाला या मीठा सोडा जो भी हो वो डालेंगे, और थोड़ा सा ऊपर पानी डालेंगे, और इस तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो हाथ से भी मिक्स करते हैं या जैसे भी कर सकते हैं, स्पून ले लीजिए या दाल वाला चमचा बोलते हैं जिसे, उसको ले लीजिए और मिक्स करेंगे। और मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है, पहले उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के ऐसे ऐसे पूरे में ग्रीस कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े थोड़े पानी के छींटे। देख सकते हैं जब ऐसे पानी के छींटे से गोल गोल अलग अलग होने लगे तो इसका मतलब हमारा तवा अब सही है। अब डालेंगे एक इस तरह चम्मच से बैटर। इसे थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा, और मैं इसे डोसे की तरह भी बना सकती हूँ, बट चीला चाहे जैसे भी बना दो, और शेप में तो बिल्कुल मत जाएगा। इसका जो टेस्ट है ना, इसको बनाकर तो देखिए नेक्स्ट लेवल है। इसे बनाकर खाने के बाद आप लोग कहेंगे क्या मैंने बनाकर खाया है। मेरे घर में मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आया, मेरे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद आया। इस तरह से ऐसे तवे को उठाकर सेक लेंगे हर तरफ से, और थोड़ा सा घी डाल देंगे। आपके पास जो ऑयल हो वो डाल सकते हैं, मैंने घी डाल दिया है थोड़ा सा, क्योंकि मैं घी ज़्यादा खाती हूँ तो मैंने घी ऐड कर लिया। आप लोग कुछ ऑयल जो ऑयल खाने में यूज़ करते हैं आप लोग वो डाल सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से, बिल्कुल चिपका नहीं, एकदम अच्छे से निकल आया। इसे दोनों साइड कुक कर सकते हैं, चाहे तो कुक एक ही साइड कीजिए, मैंने दोनों साइड कर लिया। आप लोग एक साइड ही कुक कर सकते हैं, और ऊपर से जो हमने पनीर की स्टफिंग तैयार कर दी उसको अब डालेंगे इस तरह से। पनीर की स्टफिंग डालने के बाद जैसे हम लोग डोसा को एक साइड से कवर करते हैं उस तरह से कवर कर देना है। और इसे सॉस के साथ खाइए, हरी चटनी के साथ खाइए, गरी की चटनी के साथ खाइए, जो मना है। देखिए मैंने इतने सारे बना लिए हैं। अगेन मैं फिर एक बार आप लोग को ऐसे ही बना के दिखाऊंगी। 1 चम्मच ऐसे बैटर लेना है और ऊपर से इस तरह डाल देना। आप चाहे तो इसे डोसे की तरह भी बना सकते हैं, और फिर अच्छे से ऐसे कुक करेंगे, नीचे से ऐसे तवा भी उठा उठा कर कुक करेंगे, वैसे भी कुक हो ही जाएगा। और फिर ऊपर से सेम वही प्रोसेस है कि पनीर की स्टफिंग डाल देना है। आप आलू की भी कर सकते हो, मैंने थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए पनीर की कर लिया है, और फिर वैसे ही कुक करेंगे। और फिर देखना बहुत ईजिली ये चिपकेगा नहीं, बहुत आसानी से निकल जाएगा। जब ये पनीर मूंग दाल चीला बनके तैयार होंगे ना, ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होंगे। खा के बना के देखिएगा जरूर एक बार। सबसे अच्छी बात ये चीले की, अगर इसे गरम गरम खाएंगे थोड़ा क्रंची क्रंची आएगा, मतलब थोड़ा डोसे वाला फील आएगा। इन फिर आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दे अगर आप लोग अभी तक नहीं किए तो, और हमारा टेस्टी चीला तैयार है। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी नई नई और वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय बाय।